वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश भर में जनसभाओं के जरिए धन्यवाद दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री अपना ये दौरा 5 जून को हिसार में जनसभा के बाद शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी अब आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुट गई है। इसकी शुरुआत 5 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार से करेंगे, साथ ही जनसभा में शिरकत कर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे और अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का गुरु मंत्र भी देंगे। वहीं इसकी जानकारी देते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि ये एक अभिनंदन दौरा है। 5 तारीख को सुबह 9 बजे हिसार से शुरुआत करेंगे माने मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह, और 7 तारीख को साय 7 बजे आपके फतेहाबाद के अंदर ही माने मुख्यमंत्री जी 6 बजे आएंगे, और जो फतेहाबाद जिला के कार्यकर्ता है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, जिला की टीम के लोग हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख है, हमारे BLA 2 हैं, BLA 2 के बाद जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, जिनके कठिन परिश्रम के कारण आज भारतीय जनता पार्टी, बहुत लंबे समय से हमारा सपना था कि सरसा लोकसभा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत के आए, उस सपने को साकार करने वाली टीम का अभिनंदन करने की हमने शुरुआत की है, और 7 तारीख को हम फतेहाबाद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सारी टीम मिलकर कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करने के लिए। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि 7 जून को मुख्यमंत्री फतेहाबाद में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति लोगों को पूरी जागरूकता से जोड़ पाए, और इसी का नतीजा ये रहा कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। इसके बाद 6 जून को करनाल में नई अनाज मंडी में लोगों का धन्यवाद करेंगे, जिसको लेकर आज करनाल के PWD रेस्ट हाउस में बीजेपी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD अमरेंद्र सिंह समेत बीजेपी कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढाडा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 70 से अधिक सीटें जीतेगी और फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के सबका साथ और सबका विकास, इस पर जनता ने जो मोहर लगाई है, उस मोहर को देखते हुए मोदी जी ने अभी ये भी बोला है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हम लोगों पर बनना चाहिए। सबका साथ और सबके विकास पर जनता ने ठप्पा लगाया है, और सबका विश्वास आदरणीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता जीतने वाले हैं, और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 70 प्लस सीटें जीतेंगी। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी तो 80 पार की बात कर रहे हैं, हम लोग 70 प्लस सीटें जीत के दोबारा से एक ऐसी सरकार का निर्माण करने वाले हैं जिसमें लोगों को सब तरह की सुख सुविधाओं के साथ उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, ये हमारी परिकल्पना है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए विधायक महिपाल ढाडा ने कहा कि चोर ठग बदमाश का टोल इकट्ठा होता था, हरियाणा प्रदेश के गरीब व्यक्ति को लूटने का काम करते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है, लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका दुश्मन। फतेहाबाद से कृष्ण बेदी की रिपोर्ट।